आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट मीडिया का अलग ही चेहरा हम लोगों के सामने नजर आया है और हर बार हम उनके जो कार्य चल रहे हैं और वो जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उसको लेकर के हमने तमाम तरह की खबरों को आप लोगों के साथ साझा किया है और उसका पुरजोर तरीके से विरोध भी किया है। पर जब कोई खुलासा हमारी प्रिंट मीडिया द्वारा किया जाता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, वो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया से ऐसे गायब हो जाती हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और जब उन लोगों को खबर दिखाना लाजमी हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफों के पुल बांधते हुए भी उनकी बुराई सिर्फ 5% की करते हैं, पूरा खुलासा पूरे तरीके से नहीं दिखाते। पर अब बीते 5 सालों में ये इतिहास बदलता जा रहा है और पत्रकारिता की तीसरी आंख भी खुलने लगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। ऐसा ही एक खुलासा द हिंदू के न्यूज़पेपर ने किया, जिसको लेकर के विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो ही गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर जैसे मानो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाने का काम शुरू कर दिया और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए तमाम तरह की अफवाहों का सहारा लेने लगे। और जब उन अफवाहों की पोल परत दर परत खुलती गई तो हर कोई हैरान हो गया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले बैठे हुए हैं, उन लोगों ने हर उस हथकंडे को अपना लिया है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाया जा सके। और हर कोई इस जद्दोजहद में लग गया है कि 2019 से पहले कोई भी ऐसा खुलासा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ना हो पाए, जिससे पार्टी को 2019 में उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली खबर हम लोगों के सामने आई है, जिसको बताना आप लोगों को लाजमी हो चला है, क्योंकि इस पर अब बात नहीं की तो देर हो जाएगी। तो चलिए आखिर जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने खुलासा किया कि राफेल डील में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से हस्तक्षेप की जा रही है। समांतर सौदेबाजी को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। रक्षा मंत्रालय ने पीएमओ को ऐसा न करने की सलाह दी थी। अखबार ने रक्षा मंत्रालय की एक कथित खुफिया रिपोर्ट शेयर करते हुए ये सनसनीखेज खुलासा किया है। समांतर सौदेबाजी का मतलब है कि राफेल सौदे जब रक्षा मंत्रालय द्वारा बातचीत चल रही थी, इसके बावजूद पीएम की ओर से दखल दिया जा रहा था। जैसा कि राफेल डील से पहले से आरोप लगता आया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह डील एचएएल से लेकर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एविएशन को दे दिया था, जो कि फ्रांस में हुए डील से सिर्फ 13 दिन पहले बनी थी। आपको बता दें कि अखबार के मुताबिक यह नोट 24 नवंबर 2015 को लिखा गया था। उस वक्त मनोहर पारिकर रक्षा मंत्री थे। उनके मंत्रालय ने पीएमओ को लिखा था कि इस तरह की समांतर सौदेबाजी से रक्षा मंत्रालय और भारतीय सौदेबाजी दल की ताकत कम होती है। अखबार के मुताबिक खुद तत्कालीन रक्षा मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखे पत्र में कहा था कि पीएमओ का रुख रक्षा मंत्रालय के रुख से बिल्कुल उलट है। हम ये सुझाव देते हैं कि जो भी अवसर भारतीय सौदेबाजी दल के हिस्सा नहीं है, वो फ्रांस सरकार से समांतर बातचीत से परहेज करें। द हिंदू के खुलासे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फिर से पीएम मोदी पर आक्रामक हुए। उन्होंने पीएम पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील में वायुसेना के 30,000 करोड़ रुपए चुरा कर अनिल अंबानी को दे दिए हैं। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष डील की शुरुआत से ही इसमें घोटालेबाजी का आरोप लगाते रहे हैं। राफेल मुद्दे पर नए खुलासे से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के तेवर और तीखे हो गए हैं।
उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सरकार पूर्व मंत्री पी चिदंबरम और रॉबर्ट वाड्रा सहित पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ जांच कराए पर राफेल मामले पर जवाब दे। पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी से पूछताछ के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पी चिदंबरम और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच करना चाहती है तो करे, सरकार को कांग्रेस में जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है जरूर करे, पर राफेल की जांच कराइए, राफेल को लेकर उठे सवालों का जवाब दीजिए। दरअसल ईडी ने धन शोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पिछले दो दिन से लंबी पूछताछ की है। ईडी पूर्व मंत्री पी चिदंबरम और उनके परिवार के खिलाफ भी धन शोधन मामले में जांच कर रहा है। अब दी हिंदू के एंड राम के खुलासे से झुलसे भक्तों को सांस नहीं आ रहा था। किसी तरह आईटी सेल को फाइल का वो पन्ना उपलब्ध कराया गया जिसका पूरा फोटो खींचा गया। इसे आप पढ़िए तो पाएंगे कि ये एंड राम के लिए अच्छा ही रहा क्योंकि परिकर की नौटंकी उनके खुलासे पर पक्की मोहर लगा गई। बेचारे भक्तों को परिकर की स्वीकृति जवाब लग रही है जबकि रक्षा मंत्री की नौटंकी मान रही है कि पीएम डील की में दखल अंदाजी कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के दाखिल किए गए जवाब से एकदम उलट है जिसमें कहा गया है कि राफेल डील में पीएमओ का दखल ही नहीं रहा। पूरा विपक्ष और मीडिया यही तो सवाल कर रहा था कि पीएम दखल दे क्यों रहे हैं मगर पीएम तो मानने की बजाय मुकर रहे थे। परिकर से सवाल उठाने वालों को सही ठहरा दिया। एन राम और दी हिंदू को फिर बधाई, उनकी खबर पर खुद तत्कालीन रक्षा मंत्री ने मोहर लगा दी है। बाकी भक्तों का क्या है, उन्हें अंग्रेजी लिखे कागज पर आईटी सेल से लगाए तीर गोले जवाबी खुलासा लगते रहे तो लगते रहे, पर इसका खुलासा जो दी हिंदू ने किया और फिर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जो हथकंडा अपनाया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। जहां दी हिंदू ने पूरी बात राफेल डील पर ये साबित कर दी थी कि पीएम नरेंद्र मोदी की सीधे सीधे इन्वॉल्वेशन है, पर इस इन्वॉल्वेशन को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने अखबार का वो पूरा पन्ना दिखाया ही नहीं जिसमें लिखा गया था, जिसमें सच्चाई थी, उसको फोल्ड करके इस तरीके से फोटो प्रिंट करके उसकी फोटो निकलवा करके सोशल मीडिया पर इस कदर शेयर किया गया कि पूरा विपक्ष झूठ बोल रहा है और अगर कोई सही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके ऊपर जब सवाल उठना शुरू हुए तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की चोरी भी दो मिनट में पकड़ी गई और दी हिंदू को आकर के इस पर पूरा जवाब देना पड़ा कि आखिरकार जो सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल द्वारा शेयर किया जा रहा है वो तो पूरा पन्ना है ही नहीं, उसको फोल्ड करके इस तरीके से आप लोगों के सामने झूठ परोसा जा रहा है जिसको लेकर के हर तरफ अब हाहाकार मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राफेल डील में अनिल अंबानी के बीच का आखिरकार चक्कर क्या है। इस चक्कर को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राफेल डील और अनिल अंबानी के बीच का आखिरकार रिलेशन क्या है, इसके तथ्यों का खुलासा करने के बजाय मेन स्ट्रीम मीडिया खुलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में आ खड़ा हुआ है, तो वहीं विपक्ष भी इस केस में पूरी तरीके से दिलचस्पी ले रहा है और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। जहां राफेल डील के ऊपर विपक्ष हमला कर रहा है, कभी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ ईडी कर रहा है तो कभी सीबीआई ममता बनर्जी के पास जा करके उनके खुलासे को साबित करने पर लगा हुआ है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में डंके की चोट पर झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कहते हुए नहीं थक रहे कि आखिरकार विपक्ष जो भ्रष्टाचारियों के साथ मिला हुआ है, पूरे भ्रष्टाचारी एक नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए साथ में आ गए हैं। पर दरअसल में हो क्या रहा है, राफेल डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की आड़ में खुद को बचा करके निकाल लेना चाहते हैं क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव
सर पर है और हर कोई इस घोटालेबाजी के ऊपर उंगली उठा रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस केस में बिल्कुल सुरक्षित हैं तो उन्हें डर किस बात का है? क्यों नहीं सीबीआई और ईडी जाकर के राफेल के मुद्दे पर पूछताछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, रक्षा मंत्री से, क्यों इसका सवाल जवाब नहीं कर रहा है? आखिरकार राफेल डील पर और कितने खुलासे होने बाकी हैं ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। और राफेल डील जिस हिसाब से 2G घोटाला में 2014 में कांग्रेस की सरकार गई, क्या राफेल डील भी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी? दिलचस्प होने वाली है 2019 की कहानी, क्योंकि छींटाकशी का आरोप हर किसी पर शुरू हो गया है, खासकर इसमें बुरी तरह फंसती हुई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही किसी खुलासे के साथ मैं आपके सामने रूबरू होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं, इस बीच हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं। इन बदलते हुए हालात पर नज़र रखने के लिए देखते रहिए सियासतनामा पल पल न्यूज़ पर।